कैसे हो आप सब? मैं भी अच्छी हूँ। सो मैं आज आप लोगों के सामने, देखो मुझे बोल बोल जी कहने में हो आज के आवश होंगे। गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप सब? मैं भी अच्छी हूँ। लॉकडाउन में जैसा होना चाहिए मैं वैसी हूँ। सबको वैसा ही होना पड़ता है जैसे उसको होना होगा। यानी कि हमें जैसे नहीं होता है कि भगवान हम लोग को जिस तरह जैसे चला रहे हैं हम लोग वैसे चल रहे हैं और कुछ नहीं। बस अच्छे से टाइम बीत जाए, अच्छे से ये जो एक बुरा टाइम वो भी बीत जाए। मैं सही में मैं क्या करूँगी उस समय, खुश हो जाऊँगी। लेकिन ओके एनीवेज सब छोड़ देते हैं, क्या बात कर रही हूँ। सो गाइज आज मैं आफ्टरनून से इसलिए ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने फटाफट पर लंच कर ली, बना लिया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी मैं एक होममेड फेस मास्क आप लोगों के साथ, फेस पैक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। मैं देखना चाहती हूँ कि कैसा होगा क्योंकि स्किन के लिए वो ठंडक भी देगा, मतलब मेरे फेस को वो ठंडक भी देगा और अच्छा भी लगेगा। और शायद हो सकता है कि वो फेस पैक अच्छा ही हो, सब स्किन के लिए भी हो सकता है ये सूटेबल हो, तो मैं वहीं आज ट्राई करना चाहती हूँ। और भी मैं बहुत सारा काम, सिर्फ फेस पैक बना के उसको लगाना नहीं है मुझे, उसके बीच में मतलब अगर मैं 10 से 15 मिनट फेस पैक को लगा रही हूँ अपने फेस पे तो उसके बीच में कुछ और भी काम करने हैं। मैं रेजर आप लोगों के साथ शेयर किया है जिससे मैं अपना हेयर रिमूव करती हूँ। मैंने वीट का जो फुल बॉडी वैक्स जो स्टेप्स है वो भी मैंने आप लोगों से शेयर किया है। और ये सब जुगाड़ मेरे पास अभी भी है क्योंकि अभी कोई ना पार्लर खुला हुआ रहेगा और ना ही कॉस्मेटिक्स का शॉप, बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि हम लोग को हर महीने जाना पड़ता है पार्लर, जो अभी पॉसिबल नहीं है। 40 डेज हो चुका है, पॉसिबल नहीं है। तो ये जुगाड़ मेरे पास है और जिससे घर में जुगाड़ है गाइस सही बोलती हूँ वो लकी है क्योंकि वो कर सकता है। क्योंकि आप अपना फेस में कोई भी होममेड कोई भी मास्क पैक कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो वो ठीक है, बट हेयर अगर आपको रिमूव करना है तो वैक्स थ्रेडिंग आई थिंक ये सब संभव नहीं है, बट ये सब अच्छा है। तो ये सब जुगाड़ मेरे पास है जो मैं करूँगी क्योंकि आप मेरे हैंड को देखो कितना ज़्यादा हेयर हो गया है। 15 से 16 दिन के बाद मैं अभी ये रिमूव करने वाली हूँ। सो ये मेरे पास है, हो जाएगा। ये मैं रेजर से करती हूँ और मैं हर बिगिनर से या फिर अनमैरिड लड़कियों से मैं ये बोलना चाहूँगी कि कोई भी अगर बोले कि आप लोग के लिए अच्छा नहीं है तो भाई मैं भी जब फर्स्ट स्टार्ट की थी तो मैं भी बिगिनर्स थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ना ही मेरे हाथ का जो भी हेयर है वो थिक हुए, जैसे नहीं रफ टाइप का हो जाता है, मोटा मोटा थिक बहुत थिक हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। क्योंकि मेरा जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा है, किसी का हेयर तो दिखता भी नहीं है। मैं इतनी फेयर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी फेयर नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता कि मेरा हेयर थिक लगता है, बिल्कुल नहीं। ऐसा गलत बात है, मैं सजेशन दूंगी कि आप रेज़र आराम से यूज़ करें। हाँ, रेज़र आप फेस में ना यूज़ करें क्योंकि उसका एक अलग रेजर आता है, ये रेजर बिल्कुल यूज ना करें। इसीलिए मैं ये जो वीट का जो मैं यूज करती हूँ अभी भी इसमें बचा हुआ है, ये मैं सिर्फ फेस के लिए यूज करता हूँ। अगर मैं अभी हाथों और पैर के लिए यूज करती तो ये अभी नहीं बाकी रहती, खत्म हो जाता है। तो इसे मैं सिर्फ फेस के लिए यूज करती हूँ, बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होते हैं फेस में, यहाँ अपर लिप और साइड में। अब देखो हेयर हो गए हैं तो अच्छा ही लगता है मुझे, इसलिए मैं इसे भी कर लूँगी। दूसरा मेरे पास इसका भी प्लकर का भी जुगाड़ है, देख रहे हो आप, इसका भी जुगाड़ है जो मैं आईब्रोज पे करने वाली हूँ। इसीलिए मैं घर का लाइट ऑफ किया ताकि जो बाहर का लाइट आए उससे आप क्लियर देख सको यहाँ पे। और इस साइड में दिखाती हूँ, देख रहे हो आप बहुत सारे हेयर ग्रो कर गए हैं और मैं आज ये सब काम करने वाली हूँ। टोटली काम कंप्लीट हो जाएगा तो हाँ मैंने कुछ किया आज, कोई बड़ा काम किया।
ऐसा। उसके बाद तो घर का कोई लॉकडाउन है नहीं, लंच डिनर ब्रेकफास्ट सभी करना पड़ता है, पेट तो मानेगा नहीं गाइस। सो चलिए फर्स्ट मैं दिखा देती हूँ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए हम लोगों को फेस पैक बनाने के लिए। मैं ट्राई कर रही हूँ, अगर मुझे अच्छा लगा मैं सजेशन जरूर दूंगी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, मैं यूज़ करूँगी अभी। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं ऑनेस्टली आप लोगों के साथ, सही में आप लोगों के साथ मैं शेयर, मतलब मैं कहूँगी कि हाँ आप इसे यूज़ करो, शेयर नहीं करो यूज़ करो, शेयर भी करो अगर अच्छा लगे तो। सो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। तो ये रहा हम लोगों का लंच। तो चावल ये कुकर में मैंने चिकन बनाया है गाइस, बहुत ही टेस्टी बनेगा, आप देखने के बाद चिकन को ट्राई करके कुकर में। और एक और चीज़ दिखाती हूँ मैं, ये पनीर बनाया मैंने रात के डिनर के लिए, बट ये अभी पोस्टपोन हो जाएगा, ये कल खाऊंगी और फ्रीज में रख दूंगी। और मैंने मैजिक मसाला से बनाया है, और ये रेड चिली सॉस चिंग्स का मैंने दिया है, और ये लाल साग। तो गाइस ये रहा मेरे कुछ फेस पैक का इंग्रेडिएंट्स। मैं अभी जो करूँगी, ये इतना बड़ा खीरा की ज़रूरत नहीं है, तो खीरा चाहिए। और यहाँ है बेसन, लेकिन बेसन का काम अभी नहीं करना है आपको। और ये रहा कर्ड। तो और ये कुछ मैंने मिंट लिप्स लिए हुए हैं, देखो फ्रेश एकदम है। तो अब मुझे करना है, जितना मुझे फेस के लिए चाहिए उतना ही मुझे खीरा को काट लेना है, इतना बड़ा खीरा तो ज़रूरत है नहीं फेस के लिए, इसे काट लेना है। और ये खीरा, कर्ड और मिंट लिप्स, ये तीनों को एक फाइन पेस्ट बनाना है। तो फाइन पेस्ट बनाने के बाद अगर मुझे लगेगा कि वो फेस के लिए कवर नहीं हो पा रहा, यानी फेस पैक अच्छे से फेस में अगर नहीं बैठ पा रहा है, तभी मैं बेसन मिलाऊंगी। अदरवाइज बेसन को आप स्किप कर सकते हो, बेसन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको बेसन और कट का इंग्रेडिएंट्स दोनों का फेस पैक बनाना है, तो ये भी बहुत ही अच्छा है। तो अभी तो मैं दूसरा फेस पैक बना रही हूँ, लेकिन मैंने एक ऑप्शन दिया आपको। तो फटाफट ये खीरा को थोड़ा काट लेती हूँ, और उसके बाद ये ग्राइंडिंग जार में सारा मैं पीस लूंगी। तो गाइस मैंने ये खीरा काट लिया है, और इसमें कुछ फ्रेश जो मैंने मिंट है इसका जो पत्ते को अच्छे से धोकर इसमें डाल रही हूँ। और मुझे चाहिए थोड़ा कट, तो इसमें से मैं सारा कट नहीं लूंगी, और इसका मैं एक फाइन पेस्ट बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो गाइस मैंने पीस तो लिया है, लेकिन खीरा ने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा है। अब मैं क्या करूँगी, अब बेसन को
तो अब मुझे मिलाना है, तो मैं एक बोल में ले लेती हूँ और उसमें बेसन का पेस्ट फाइन अच्छा सा पेस्ट बना लेती हूँ जो फेस को कवर कर सके। उसके बाद मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। सो गाइस, मैंने तो पेस्ट बना लिया है और इसमें बेसन थोड़ा ज़्यादा ही लगा क्योंकि जो खीरा है वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ रहा है, तो इसलिए ऑलमोस्ट बेसन और कर्ड, मैंने बताया बेसन और कर्ड का भी जो अगर हम फेस पैक यूज़ करें तो बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसा होता था कि मैं कॉलेज में थी तो मैं सिर्फ मलाई लगाती थी, रात को मलाई लगा के सो जाती थी, और ड्राई स्किन के लिए होता है मलाई क्योंकि वो बहुत ऑयल फिल करेगा आपको और बहुत शाइन ग्लो करेगा आपके स्किन को, फेस को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रखता है। तो मलाई का अगर आप बिगिनर्स हो तो रात को अगर आप मलाई लगा के सो जाओगे या फिर मलाई लगा के आधा एक घंटा रख के उसके बाद आप अगर ऐसे ही पानी से अगर उसको वॉश कर लोगे तो आपका देखना आपका जो चेहरा है, आपका जो फेस का जो स्किन है वो कितना ग्लो करेगा। तो ये रहा मेरा पैक, बहुत अच्छे से तैयार हो गया, थिक भी हो गया है, उस समय काफ़ी पतला था। अगर पतला नहीं होता तो खीरा है पानी तो छोड़ेगा ही, तो अगर पतला नहीं होता तो उतना ही सफिशियंट था, इसलिए मैंने बेसन का ऑप्शन रखा। सो गाइस, मैं अब इसको अप्लाई करूँगी। तो काफ़ी गर्मी है, काफ़ी गर्मी है, मैंने फ़ैन को इसलिए ऑफ रखा है क्योंकि फ़ैन की आवाज़ से शायद आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाए, सुनाई ना दे, इसलिए फ़ैन को मैंने ऑफ रख लिया। और अच्छे से मैं इसको पैक को सर्कुलर मोमेंट में लगा लूँगी। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, मिंट का जो खुशबू है ना, आई लव इट, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो 10 से 15 मिनट इस फेस पैक को रखना है, तब तक मैं हैंड रिमूव कर देती हूँ, नॉट हैंड रिमूव, हेयर रिमूव कर देती हूँ। तो जब तक ये फेस पैक रहेगा तो हेयर रिमूव कर लेती हूँ और उसके बाद बहुत सारा काम है। और एक चीज़ मैं बोलना भूल गई थी, मैं बता रही हूँ, फेस पैक लगाने के बाद इसे जब मैं रिमूव कर लूँगी, यानी इसको जब मैं जब धो लूँगी उसके बाद ही मैं आईब्रोज का जो मेरा हेयर है उसे मैं प्लग करूँगी। उसके बाद जो अपर लिप्स है या फेस का कोई भी हेयर है जो मैंने बताया है, जितना मुझे हेयर रिमूव करना है सब पैक के बाद, क्योंकि पैक के पहले अगर रिमूव ऑफ हेयर करते हो, चाहे ब्लीच लगाते हो, फेस पैक लगाते हो, फेस मास्क लगाते हो, उसके पहले फेस में कुछ भी नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, जिसकी सेंसिटिव की स्किन होती है उसको जलन महसूस होगी, और ऐसा मेरे साथ हुआ है, ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगी। तो मैं 10 से 15 मिनट के बाद मैं आपके सामने आती हूँ। सो गाइस, कैसी लग रही हूँ मैं? मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा फील हो रहा है, इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी लग रही है। और सबसे बड़ी बात, सबसे एडवांटेज मुझे इसमें ये लगा कि फेस में लगाने के बाद कम से कम 5 से 6 मिनट के बाद ठंड जैसा महसूस, क्योंकि ये स्किन को ठंडा भी रखता है, समर के लिए बहुत बेस्ट है, बेस्ट ही है, क्योंकि पुदीना पत्ता जो सब जगह अवेलेबल है मार्केट में, मेरे तो आंगन में ही है, मैं खूब चटनी भी खाती हूँ इसका और आज यूज़ भी हो गया, और खीरा है जो मिलता ही है समर में, कट तो सबके घर में होते ही हैं और बेसन भी होते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं कि घर में कुछ नहीं मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों को होममेड रेमेडीज से ही काम चलाना पड़ेगा। तो आई थिंक मेरा फेस अच्छा कर लग रहा है, आप देख रहे हो, अच्छा फील हो रहा है मुझे, एक बार ज़रूर ट्राई करना आप लोग, बिल्कुल ट्राई करना, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और आपके फेस में भी सूटेबल होगा, ये ऑल टाइप स्किन के लिए है। और अभी इसके बाद और भी काम है मेरा, अभी इसके बाद मैं आईब्रोज का जो हेयर है उसको रिमूव करूँगी, प्लकर करूँगी, और उसके बाद अपर लिप वगैरह इस साइड में जो भी हेयर है इसको रिमूव करूँगी, ये दो काम मेरा बाकी है। और मैंने हेयर रिमूव कर लिया है, 15 मिनट जो मेरा फेस पैक का लगा टाइम उसमें मैंने ये काम कर लिया है,
इसका काम हो गया, बस ये दोनों का काम बाकी है, उसके बाद मैं आप लोग से डिनर शेयर करती हूँ। किचन में पहुँच गई हूँ, अभी डिनर बनाना है गाइस। तो ये देखो मैं यहाँ ये कुकर चढ़ा है, इसमें एक्चुअली थोड़ा सा कोको पाउडर था, तो कोको पाउडर से मैंने आज मतलब सेम जैसे बर्थडे में भी केक बनाई तो वही सेम केक आज बना रही हूँ। कोई और इंग्रेडिएंट्स मैं नहीं डाली, नो वैनिला एसेंस भी मैंने नहीं मंगवाया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे बार बार तो केक बनाना नहीं है और मंगवाऊंगी तो वेस्ट क्यों करना है। वेस्ट मीन्स वो रहेंगे फ्रिज में, लेकिन अभी थोड़ा बचा कर भी चलना है, आप समझ रहे हो लॉकडाउन कब तक ख़त्म होगा कोई ठीक नहीं है। इसलिए अभी सेम जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने बर्थडे केक में भी बनाया था सेम इसमें बनाया, बस कोको पाउडर मिला दिया है, तो अभी केक बन रहा है। तो मैं इसलिए बना रही हूँ कि जो भी है हमारे पास अवेलेबल, तो कभी कभी अच्छा कुछ बनाने से भी मूड अच्छा हो जाता है इसीलिए। और बनाऊंगी पास्ता, पास्ता भी रखा हुआ है तो पास्ता ही बनाऊंगी और उसका तैयारी करूंगी। तो गाइस बस यहीं तक, और क्या मैं अभी ब्लॉग को एंड भी करूंगी, क्योंकि अभी देखो अभी कुकर में बैठाई हूँ और गैस भी मेरा ख़त्म होने जा रहा है, अभी लगेगा गैस ख़त्म होने जा रहा है, वो भी एक टेंशन है। सो क्या कर सकते हैं अभी देखना है। और देखो अभी थोड़ा सा ओरिगानो भी रखा हुआ है, ये देखो मैंने पैकेट वाला ओरिगानो मंगवाया था पिज़्ज़ा वाला, तो यही ओरिगानो से रेड टमाटो वगैरह देके रेड थोड़ा स्पाइसी पास्ता बना लूँगी। बस रोटी के साथ पास्ता आप लोग खाए नहीं हो, तो अगर आप खाए हो तो आप लोग को अच्छा लगता होगा, इसलिए ऑब्वियसली खाए हो, लेकिन एक बार ट्राई करके देखना। जो पास्ता रात को मील के लिए अच्छा है और कुछ नया है और कुछ नहीं, जैसे हम लोग यू ही खा लेते हैं तो मील के लिए, तो रोटी के साथ ही पास्ता हम लोग को अच्छा लगता है, हम लोग खाते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी, आप ज़रूर कमेंट करके बताना कैसा लगा आज का ब्लॉग। और एक बार ये जो मैंने आपको फेस पैक जो दिखाया वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे, मुझे तो अच्छा लगा गाइस, आप ट्राई कर सकते हो। सो एंड करूँगी अभी और आप लोगों को डिनर दिखा कर ही मैं एंड करूँगी। सो ओके गाइस, गुड नाइट, आप सब अच्छे रहें, स्टे होम स्टे सेफ, सब अच्छे रहो इंसान का। और अभी हम इंसानों का जो है ना रूल के हिसाब से चलना पड़ रहा है, जैसे जैसा एक ऑर्डर आता है, जैसे गवर्नमेंट का एक ऑर्डर है कि अभी कहीं नहीं कुछ जाना, मैं तो बिल्कुल बाहर नहीं निकल रही हूँ, मैं घर पे ही हूँ, घर में ही टाइम मेरा कट रहा है, इसलिए मैं कुछ कुछ बना लेती हूँ कि मेरा टाइम थोड़ा सा अच्छा से कट जाए। सो ओके गाइज, गुड नाइट, सी नेक्स्ट वीडियो में।